want to go? Oi? Oh, lovely. This club chair. ये ले. ये आपके लिए. Thank you. और दूसरा दीजिए. This for you. Hey. दो हैं, अलग अलग है. सेम लेकिन यार नाम लिखा. अरे भगवान, मुझसे. एडमायर हम बहुत बड़े एडमायरर हैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक स्पोर्ट्स लवर होने के नाते, बट और हमारी जो फिल्म है शिव शास्त्री बेलबुआ, उसका आज पहला पोस्टर रिलीज होना था और मैंने सोच रहा था कि और बड़ी मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है, यूएस में बनाई है, प्रोड्यूसर्स नए हैं मगर उनकी पहली फिल्म है और हमें लगा कि हम ऐसी किस शख्सियत को बुलाएँ जो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं और इंटरनेशनल स्टार हैं. तो मैंने इन्हें फ़ोन किया एंड शी वॉज़ वेरी काइंड इनफ. तो मैरी कॉम जी ने हमारी फिल्म शिव शास्त्री बेलबुआ का पोस्टर रिलीज़ किया. वी आर ऑनर्ड टू हैव दैट. शिव शास्त्री बेलबुआ इज़ अ स्टोरी ऑफ ए ऑर्डिनरी मैन हु गोज़ थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस एंड बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जो हमें सब में ये शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की हमारी शक्ति है. और तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप आए. और आप अगर कुछ मैं बहुत अच्छा लगा. आई फील यू नो इट्स ऑनर एज वेल टू रिवील दिस पिक्चर. द पिक्चर शिव शास्त्री बेलबुआ. तो मुझे लगा है ये बहुत अच्छा होगा. और एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस पिक्चर. सबको मुझे फीडबैक दे दो ये देखने की बार. आई और मुझे लगा है कि अच्छा जरूर होगा, पक्का होगा. आप देखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देखिए. अरे बहुत वहीं से इंस्पायर तो वहीं से हुए. आई थिंक फिल्म बड़ा अच्छा साधन है लोगों तक पहुंचाने का. जब मैंने MS धोनी में काम किया था तो वो भी हालांकि इंटरनेशनल स्टार हैं बट फिल्म जो है उससे जोड़ती हैं. तो इसलिए हमारी फिल्म में मैरी कॉम तो नहीं है लेकिन इनके बॉक्सिंग ग्लव्स, मतलब इनके दिए हुए नहीं बॉक्सिंग ग्लव्स हैं. एंड बहुत अच्छा लगा. वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी. प्रियंका ने बहुत कमाल का काम किया था, दर्शन ने बहुत अच्छा काम किया था. बट आई थिंक इट्स ए सिम्बॉलिक जेस्चर ऑफ करेज. इनकी जर्नी बड़ी, जो इनकी लाइफ जर्नी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है. फ्रॉम वेयर शी केम, बट हिम्मत नहीं हारनी, यही इस फिल्म का थीम है. नहीं मैंने नहीं सीखा. मेरा कैरेक्टर बॉक्सिंग नहीं करता है मेरा. हाँ फ्रेंकली स्पीकिंग ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द बॉक्सिंग. ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द गेम ऑफ बॉक्सिंग दैट एवरी टाइम यू फॉल डाउन एज लॉन्ग एज यू कैन गेट अप लाइफ विल मूव ऑन. मैरी कॉम जी, आपने अनुपम जी का फिल्म देखा है. अब वो आपके ग्लव्स वहाँ पोस्टर में है लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपका अनुपम जी से क्या इंस्पिरेशन हुआ लाइफ में? मैं रिलेटेड नहीं है स्पोर्ट्स और मूवी का लेकिन जो भी सर का मूवी देख रही हूँ बहुत अच्छा रहा. साए विलियन का रोल ले रहा है और साए अच्छा मतलब रोल ले रहा था. जो भी ले रहा था बहुत शूट होता है मतलब रियल लग रहा है मुझे. तो ये मूवी में भी कोई भी रोल लेने से आसानी से एक मतलब रियलिटी लगने के लिए कभी नहीं हो जाता है. कभी कभी शूट होता है रोमांटिक में शाहरुख खान बोलता है और एक्शन में अक्षय ऐसे जो रोल है ले रहा है ना. तो कभी मुझे लग रहा है कि रोमांटिक में जो भी रोल लेगा शूट नहीं हो जाता है जो हीरो कोई भी हीरो आने से भी. लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सर जो भी रोल ले रहा है बहुत अच्छा. आई मीन सर दैट्स सच अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट. आप कह रही हैं कि जो भी रोल लेता है अच्छा करता है. अच्छा करता है वही अच्छा करता है. मुझे पसंद है मतलब कि कोई भी रोल है. अभी बहुत ठंड पड़ रही होती है और मुंबई में वैसी ठंड नहीं है. वही तो ना. हाउ यू मैनेज दिस? दिस आल्सो डिफिकल्ट लाइफ फ्रॉम देयर दिल्ली टू दिल्ली इज यू एवरीबॉडी नो दैट चिल. ओह माय गॉड वेरी कॉल. Thank you so much for your warmth in this weather. Yeah. God bless you. Now I'm warm here.
थैंक यू जी।